देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर चुके हैं और इस खास मौके पर तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रोग्राम को खास बनाने के लिए खास तैयारियां की गई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई में कितना भव्य कार्यक्रम तैयार किया गया है। बताते चले कि लगभग 60,000 से ज्यादा श्रमिकों को आज सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ सेंगोल स्थापित किया गया और सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर तो उस वक्त सामने आई जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम किया जहां पर सेंगल को स्थापित किया गया था। खैर, इन सबके बीच जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, इनको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी राय रखी है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, पवित्र सेंगोल भारत के न्याय, संप्रभुता और सामर्थ्य का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पावन सेंगोल की स्थापना भारत की सांस्कृतिक धरोहर तथा उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सभी देशवासियों के आदर और विश्वास की समेकित अभिव्यक्ति है। आजादी के अमृतकाल में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ता ये राष्ट्रीय कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को और अधिक संवर्धित करेगा। जय हिंद। #MyParliamentMyPride। अपने अगले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, ऐतिहासिक क्षण नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक, वैभवशाली, गौरवशाली और प्रेरणादायक नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और इस ट्वीट के साथ भी योगी आदित्यनाथ ने #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल किया। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की, इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। बताते चले, 28 मई का दिन मुकर्रर किया गया था जब देश को नया संसद भवन मिलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो चुका है। बहुत खूबसूरत वीडियो भी सामने आया है, ऐसे ही एक खूबसूरत वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குருமகா சன்னிதானங்களை வடக்கு திசை நோக்கி நிற்குமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம். சபி ஆதினோனே செங்கோல் கோ பூஜா கியா ஹே ஔர் மந்திர சக்தி கோ ஜோடா ஹே. மாநனிய பிரதான் மந்திரி அபி பூர்ணாகுதி கே பாத் அபி ஆ ரஹே ஹே. செங்கோல் கே பாஸ் ஔர் ஆதினோ கே பாஸ் ஆ ரஹே ஹே மாநனிய பிரதான் மந்திரி அபி செங்கோல் கோ ஔர் சபி ஆதினோ கோ साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। திருநாவ கரையந்த நடியாக்கும் அடியேன், ஒரு நம்பி குல சிறைத நடியாக்கும் அடியேன். ஸ்வதந்திரா கி பூர்வ சந்தியா பர் யாக்கும் அடியேன்,
திருவாவடுதை வாடுதுரை ஆதீனம்னே பண்டிட் நேரு கோ செங்கோல் பேண்ட் கியா ஓ கட்டினாக்கா புனராவர்த்தன் அப்பி திருவாவடுதுரை ஆதீனம்.